गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास वन EVS स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 जिसका नाम है माई हेल्पर्स, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माई हेल्पर्स, तो इसका मतलब है माई मतलब मेरा, और हेल्पर्स का मतलब होता है मददगार, जो हमारी हेल्प करते हैं। वो सभी होते हैं हेल्पर्स, जो हमारी सहायता करे, हेल्प करे। वो क्या होंगे? हमारे हेल्पर्स, हमारे सहायक। तो इस चैप्टर में हम उन सभी हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी समय समय पर बहुत से काम करके कई प्रकार से हेल्प करते हैं। तो वो हेल्पर्स हमारी किस प्रकार हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प के लिए क्या करते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग आवर डोमेस्टिक हेल्प कम्स टू माई होम एंड डज हाउसहोल्ड वर्क। हर सुबह हमारी डोमेस्टिक हेल्प का मतलब है घरेलू मदद, जो घर से संबंधित हेल्प है उसे कहेंगे डोमेस्टिक हेल्प। तो हर सुबह हमारी डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर आती है और बहुत से हाउसहोल्ड वर्क करती है। हाउसहोल्ड वर्क मतलब घर के काम। तो ऐसी बहुत सी मदद है जो हर सुबह हमारे घर आती है और फिर हमारे घर के काम हो पाते हैं उस हेल्प की वजह से। अब देखो नीचे आपको पिक्चर्स भी दी गई है। मेड, न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन। द न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर्स द न्यूज़पेपर एंड द मिल्कमैन डिलीवर्स द मिल्क। अब देखो रोज सुबह न्यूज़पेपर बॉय आता है, वो क्या करता है, हमारे घर में न्यूज़पेपर डाल के जाता है। तो ये हमारा हेल्पर हुआ, इसने हमारी हेल्प करी, हम तक न्यूज़पेपर पहुंचाया। मिल्कमैन रोज सुबह हमारे घर आता है और दूध दे के जाता है, तो ये भी हमारा हेल्पर हुआ, इसने हमारे घर तक हमें दूध पहुंचाया। अब देखो ये पिक्चर है मेड की, मतलब जो हमारा घर का काम करती है। अब बहुत से लोगों के घरों में मेड भी आती है काम करने, वो उनके सुबह घर पे आके उनके घर के बहुत से काम करके जाती है, तो ये भी हेल्पर हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो देयर आर सम मोर हेल्पर्स हु वर्क फॉर अस एंड मेक आर लाइफ कम्फर्टेबल, लेट अस मीट सम ऑफ देम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे ऐसे हेल्पर्स हैं जो हमारे बहुत से काम करके हेल्प करते हैं और हमारी लाइफ को कम्फर्टेबल बनाते हैं। कम्फर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो चलो अब हम उन हेल्पर से मिलते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर, ये है फार्मर। अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस। फार्मर क्या करता है, हमारे लिए फसल उगाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हेल्पर हुआ। हम जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है हम तक, वो खेतों से आता है। किसान खेतों में खेती करता है, सब्जियाँ उगाता है, अनाज उगाता है जैसे कि गेहूं, चावल, फिर वो सभी मार्केट में पहुंचता है और तब हम उसे मार्केट से खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए पैदा किसने करी, किसान ने, फार्मर ने। तो फार्मर हमारे लिए फसल उगाता है जिससे हमारा पेट भर पाता है। तो देखो ये हमारा बहुत बड़ा हेल्पर हुआ। आगे देखो नेक्स्ट हेल्पर की पिक्चर दी गई है, ये है बेकर। बेकर क्या करता है, अब बेकर बेक्स केक फॉर अस। बेकर हमारे लिए केक बनाता है। नेक्स्ट देखो बार्बर। बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल काटे वो है बार्बर। अब बार्बर क्या करता है, हमारे हेयर्स को कट करता है। हमारे जब बाल लंबे हो जाते हैं तो बार्बर उन्हें कट करता है। तो ये भी हमारा हेल्पर हुआ और इसने क्या हेल्प करी हमारी, हमारे हेयर्स कट किए। नेक्स्ट देखो पोस्टमैन। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स एंड पार्सल्स। पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन होता है डाकिया। डाकिया हमारे लिए लेटर्स और पार्सल्स लेके आता है। तो ये हमारी हेल्प कर रहा है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, वो हम तक कौन पहुंचाता है, पोस्टमैन। नेक्स्ट देखो बताओ ये किसकी पिक्चर है, नर्स। अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। अब नर्स क्या करती है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनका ख्याल रखती है, उनकी देखभाल करती है। नेक्स्ट देखो डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है,
अ डॉक्टर क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है। देखिए क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना। तो डॉक्टर ने हमारी क्या हेल्प करी? बीमार होने पर हमारा इलाज किया डॉक्टर ने। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और हेल्पर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो पुलिसमैन, कौन है ये? पुलिसमैन। अब पुलिसमैन कैचेस थीव्स। पुलिसमैन क्या करता है? चोरों को पकड़ता है। अब पुलिसमैन ने हमारी क्या हेल्प करी? हमारी रक्षा करता है, ये चोरों को पकड़ता है। अगला देखो कॉबलर। कॉबलर क्या होता है? मोची। अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज। और मोची क्या करता है? हमारे टूटे हुए जूतों को सिलता है। तो इस तरीके से कॉबलर जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं, शूज, स्लीपर्स, उन्हें सही करता है, सिलता है। अब नेक्स्ट देखो सोल्जर। क्या है ये? सोल्जर मतलब सैनिक। अब ये क्या करता है? अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज। जो सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो हमारी कंट्री की मतलब हमारे देश की रक्षा करता है। किससे? एनिमीज से। एनिमीज होते हैं दुश्मन। तो दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करता है कौन? सोल्जर मतलब सैनिक। तो इस तरीके से ये हम सभी की हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखो ये है टेलर। टेलर कौन होता है? जो कपड़े सिलता है। अब टेलर हमारी हेल्प कैसे करता है? अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े सिलकर। देखो नेक्स्ट ग्रोसर। ग्रोसर कौन होता है? किराने वाला, जो घर के खाने का सामान बेचता है, जैसे कि चीनी, चावल, आटा, दालें, मसाले, ये सही बेचता है, वो होता है ग्रोसर। तो ग्रोसर्स फूड आइटम्स को बेचता है। तो इससे हमें क्या मिला? फूड आइटम्स, खाने की चीजें, हम सभी खाने की चीजें ग्रोसर से खरीदते हैं। नेक्स्ट देखो ये है ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर होता है सब्जी वाला। सब्जी वाले को क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर। और ग्रीन ग्रोसर क्या करता है? ये सब्जियां बेचता है, वेजिटेबल्स बेचता है। इससे हम सब्जियां खरीदते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके बारे में। हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए ये सभी हेल्पर्स कई प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। अब देखो बी पोलाइट टू हेल्पर्स, मतलब अपने हेल्पर्स के प्रति पोलाइट रहें। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, एकदम प्यार से, सॉफ्टली। तो आप कैसे अपने हेल्पर्स के प्रति पोलाइट रह सकते हैं? ऑलवेज यूज वर्ड थैंक यू फॉर समवन हु हैज हेल्प्ड यू। जब कोई व्यक्ति, कोई भी आपकी हेल्प करता है किसी भी प्रकार से, तो आपको हमेशा थैंक यू वर्ड यूज करना चाहिए। कौन सा वर्ड? थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो जब भी कोई आपकी हेल्प करे, आप उसे क्या कहोगी? थैंक यू। ऑलवेज यूज वर्ड प्लीज इफ यू नीड समवंस हेल्प। अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? प्लीज। तो जब भी आपको किसी की हेल्प की नीड है, जरूरत है, तो आप प्लीज बोल के उससे हेल्प लोगे। ऑलवेज यूज वर्ड सॉरी इफ यू हैव हर्ट समवन अननोइंग। तो कभी भी अनजाने में आपसे किसी को चोट पहुंचती है, या आप अनजाने में कोई गलती कर देते हो, किसी का दिल दुखा देते हो, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? से सॉरी मतलब माफी। तो यहाँ पे ये थ्री वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ये थ्री वर्ड्स हैं मैजिक वर्ड्स, मतलब जादुई शब्द, जादुई वर्ड्स हैं ये। इन वर्ड्स में मैजिक है। देखो अगर किसी ने आपकी हेल्प करी, आपके लिए कोई काम किया, आप उसे थैंक यू बोलोगे तो उसे अच्छा फील होगा, तो वो फ्यूचर में कभी भी आपकी हेल्प से मना नहीं करेगा। बाद में जब भी कभी आपको दोबारा से हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और जब भी आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो अगर आप उसे प्लीज़ बोलोगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। आपको किसी से कोई भी काम है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या आपके कोई भी हेल्पर हो, आपको उनसे कोई काम कराना है, तो आप प्लीज़ करके उन्हें वो काम करने के लिए कहेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और अनजाने में कभी कुछ गलत आपसे हो भी जाता है, तो आपको क्या बोलना है? सॉरी
मतलब अनजाने में आपसे किसी की कोई चीज़ टूट गई, अनजाने में आपसे किसी को चोट लग गई, या आपने गलती से किसी को बुरा फील कराया, तो आप उसे सॉरी बोलोगे। और इससे क्या होगा, उसे लगेगा कि हाँ इससे अनजाने में ऐसा हुआ है, तो वो आपको उसके लिए कसूरवार ना समझ के आपको माफ़ कर देगा। तो इन तीनों वर्ड्स में क्या हुआ, मैजिक, जादू हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपके जितने भी हेल्पर्स हैं, आप उनके साथ ये थ्री वर्ड्स यूज़ करोगे और अपने सभी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करोगे। जैसे आप अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, उनका आदर करते हो, इज्जत करते हो, उसी प्रकार आपको अपने सभी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी है। देखो, ये रोज़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं, हमारे बहुत से काम करते हैं, बहुत से कामों में मदद करते हैं, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो आपको इनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना, इनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी, अपने सभी हेल्पर्स की जो डेली के काम में आपकी मदद करते हैं, सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, और उनसे ये थ्री मैजिकल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, चैप्टर 7 को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग के साथ। थैंक यू।